Good evening. Welcome to Prep on IAS. And in this lecture, we will revise the 6th class Geography NCERT. Complete revision of 6th class Geography NCERT, जो कि अभी हमने पिछले 7 to 8 lectures में पढ़ी है, एक एक chapter करके. और इसके साथ हम क्या करेंगे, UPSC prelims के जो previous year questions हैं उनको भी देखेंगे. कुछ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे UPSC जनरली NCERT से ही डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया करती है और आपसे वो क्वेश्चन बन पा रहे हैं इस NCERT को पढ़ के या नहीं. सो पहले तो रिवीजन वाले पार्ट पे आ जाते हैं. पहला है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. ये हमारा चैप्टर 1 था NCERT 6 क्लास की का, जो हमने पूरा एक लेक्चर किया है इस पर. तो यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. हमने देखा था सोलर सिस्टम का पेरेंट स्टार है एक, ये क्या है, पेरेंट स्टार जिसका नाम क्या है, सन. रोमन में इसे सोल भी बोलते थे, तो इसे पूरे सिस्टम को जो इस पर डिपेंडेंट है उसे सोलर सिस्टम बोल देते हैं. इसके कुछ 8 प्लेनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. सबसे बड़ा जुपिटर है और सबसे छोटा मरकरी है. जो मार्स तक के 4 प्लेनेट हैं इन्हें हम इनर प्लेनेट बोल देते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी सरफेस रॉकी है और ये साइज में छोटे हैं. जो मार्स के इस साइड है उन जुपिटर से लेके नेपच्यून तक, उन्हें हम आउटर प्लेनेट बोल देते हैं. और उनकी बॉडी कैसी है, बड़ी है और गैसियस है. यहाँ मार्स और जुपिटर के बीच में एक बड़ी ही रॉकी बॉडी, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स सन की ऑर्बिट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एस्टीरॉयड्स. एस्टीरॉयड्स. ये सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिटल प्लेनेट प्लेन में सन के चक्कर काट रहे हैं और जैसे जैसे सन से डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनका ऑर्बिटल पीरियड अकॉर्डिंग टू केपलर, मैथमेटिशियंस थे 16th सेंचुरी में, उनके हिसाब से ये, उनके लॉ के हिसाब से ये जो टाइम पीरियड है इनकी ऑर्बिट का डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ता चला जाता है. मैंने एक और चीज़ बताई थी कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये स्पेस में अपने आप लटके हुए हैं विदाउट किसी थ्रेड या कोई सपोर्ट के नीचे से. तो कौन उन्हें सपोर्ट करता है, ग्रेविटी उन्हें सन की तरफ पुल करती है. और जो ऑर्बिट में ये जो चक्कर काट रहे हैं उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. तो ये एक स्टेबल ऑर्बिट में बने हुए हैं. कुछ इन प्लैनेट्स में से कुछ को छोटी बॉडी चक्कर काट रही हैं, उनको हम इनके मून बोल देते हैं. अभी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी कि नासा एक एस्ट्रॉयड के मूनलेट का, अब ये मूनलेट क्या होता है, एस्ट्रॉयड छोटा बॉडी है उसका जो चक्कर काट रहा है एस्ट्रॉयड का उसे मूनलेट बोल देते हैं, उसको एक हिट करने वाला एक मिशन से जिसका नाम क्या है, डार्ट मिशन. बियॉन्ड नेपच्यून एक और हमें छोटा सा ऑब्जेक्ट मिलता है जिसका नाम है प्लूटो, जिसको हम पहले प्लेनेट मानते थे लेकिन अब नहीं मानते हैं क्योंकि उसकी ऑर्बिट काफ़ी इलिप्टिकल है और उसका साइज छोटा है. ये जो प्लूटो जिस ऑर्बिट में है वहाँ और भी बॉडीज चक्कर काट रही हैं, उन्हें हम जनरल नेम दे देते हैं. क्या नाम दे देते हैं उन्हें, जनरल क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट, क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट. और इसके भी बियॉन्ड एक और ऑर्बिट है, एक और बेल्ट है, उसको हम नाम दे देते हैं ऊट क्लाउड. ये तो जनरली एक प्लेन में है क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट और एस्ट्रॉयड. जो ऊट क्लाउड है वो सन को चारों तरफ से घेरे हुए है लेकिन काफ़ी डिस्टेंस पे, एक स्फीयर शेप टाइप का शेप बनाता है सन के अराउंड काफ़ी डिस्टेंस पे, जहाँ की हीलियोस्फीयर यानी सन की जो हीट एंड लाइट है उसकी लिमिट हो जाती है, उसके बियॉन्ड सन की हीट एंड लाइट नहीं पहुंचती है, तो इसे हम हीलियोस्फीयर बोल देते. एक और चीज़ देखी थी इसमें हमने कि सन एक गैलेक्सी का पार्ट है. गैलेक्सी क्या होती है, क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, जो कि कई फॉर्म में हो सकती हैं. हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे वो स्पायरल फॉर्म में है, आप देख पा रहे होंगे फिगर में, और उसकी एक आर्म में सन है. ऐसे कई सारे स्टार सन के आसपास हैं और उनमें सबसे जो पास में स्टार है वो हमारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी, करीब 4.2 बिलियन लाइट ईयर्स अवे एक स्टार है वो सन के सबसे पास है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ये 4.2 लाइट ईयर्स अवे है.
तो मोशंस ऑफ द अर्थ एनसीईआरटी का जो थर्ड चैप्टर है उसमें दो मोशंस देखे थे हमने। एक तो रोटेशनल मोशन, अर्थ जब अपनी ऑर्बिट में है तो अपने एक्सिस पे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, इसकी वजह से क्या होता है डे एंड नाइट। और सिंस जो पोलर रीजन है वो कभी भी घूमता नहीं है, अपनी जगह पे ही घूम रहा है, तो उसके जो अलाइंड स्टार्स हैं वो आपको एक स्टार हमेशा एक ही पोजीशन में नजर आएगा, उसे क्या बोल देते हैं हम पोल स्टार, ठीक है। और बाकी सारी बॉडीज आपको या तो सनराइज की तरह राइज होती हुई दिखेंगी और सेट होती हुई दिखेंगी, अगर आप पोलर रीजन में है तो वो सर्कुलर मोशन में दिखेंगी जो इस फिगर में दिखा रखा है। देन सेकेंड मोशन था अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन में सन के अराउंड चक्कर काटना, जिसके ऑर्बिटल प्लेन से अर्थ की जो एक्सिस है कितनी 23.5 का एंगल बनाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभार तो जो नॉर्थ पोल वाला एरिया है वो सन से दूर होता है और कभी कभार साउथ पोल वाला एरिया सन से दूर होता है, नॉर्थ पोल वाला पास होता है। तो जब जो भी पोल सन के पास रहेगा जिस वो उस सीजन में वहाँ उस टाइम पीरियड में वहाँ क्या हो रहा होगा, गर्मियाँ पड़ रही होंगी और अपोजिट हेमिस्फेयर में सर्दियाँ पड़ रही होंगी। तो ये विंटर किसके लिए लिखा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए। फिर 3 महीने बाद करीब जब ना नॉर्थ पोल सन से दूर रहता है ना साउथ पोल, तब फिर इक्विनॉक्स की कंडीशन आ जाती है, मतलब डे एंड नाइट इक्वल है दोनों हेमिस्फेयर में और कोई भी हेमिस्फेयर सन को ज़्यादा टाइम तक नहीं झेल रहा है, तो वहाँ जो कंडीशंस हैं वो ना तो ज़्यादा गर्म रहती हैं ना ज़्यादा ठंडी। ये स्प्रिंग वगैरह जो नाम है स्प्रिंग ऑटम, ये यूरोपियन नेम है, इंडिया में जो सीज़न होते हैं हमने अगले अलग चैप्टर में देखा था। फिर जब ये नॉर्थ पोल पास आ गया तो यहाँ से गर्मियाँ पड़ने लगीं, समर्स नॉर्थ में और साउथ में क्या हो गई विंटर्स हो गई। फिर अगेन 3 महीने बाद फिर इक्विनॉक्स आ गया और फिर ये साइकिल 365 एंड 1/4 ऑफ डे में रिपीट होती रहती है। ये देख लिया था हमने 365 एंड 1/4 ऑफ डे, ये हो गए अर्थ के मोशंस। और आगे देखते हैं, फिर हमने देखा था कि सोलर सिस्टम में हमने अर्थ की पोजीशन देख ली, अर्थ के मोशंस देख लिए। अब हम अर्थ पे अपनी पोजीशन जाननी हो तो कैसे पता करेंगे, तो बेसिकली दो तरीके हैं। हमें दो पॉइंट फिक्स मिल गए हैं इस बॉल पे, जैसे हम अर्थ बोल रहे हैं, अर्थ क्या है एक बेसिकली एक स्फेरिकल बॉल है, तो हमें दो पॉइंट पता है फिक्स, वो क्या है पोल्स। हमने उन पोल को मिलाते हुए अर्थ के सेंटर से, सेंटर यानी गड्ढे में खोदते हुए आप अर्थ के जो कोर है वहाँ से एक लाइन खींच दी, उसको हाफ में डिवाइड कर दिया और वो जो हाफ पॉइंट्स हैं उन्हें सरफेस पे ज्वाइन कर दिया, तो वो हमें एक इक्वेटर मिल गई, ऐसी लाइन जो कि अर्थ को नॉर्थ एंड साउथ के दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती हो। फिर हमने अर्थ के सेंटर से उसको जीरो मान ली इक्वेटर वाली लाइन को, कुछ लाइन खींचते गए नॉर्थ साउथ में 90 तक ड्रॉ करते गए तो हमें कुछ और लाइन मिल गई, इन्हें क्या बोल देते हैं हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। सेम काम किया हमने साउथ पोल में, जैसे अब नॉर्थ वाली को आप नॉर्थ से ऐसे पूरी एक्सटेंड कीजिए, ये पैरेलल्स मिलेंगी आपको। तो ये हमारी एक तरह से एक इनकम्प्लीट ग्रेड हो गई कि हमारे पास एक तरह की लाइन है, इस तरह वाली लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल या लंबाई में वर्टिकल लाइन नहीं है, तो आपको अभी पोजीशन बताने में प्रॉब्लम आएगी कि मैं कहाँ हूँ। जो इक्वेटर के नॉर्थ में है उसके पीछे हम नॉर्थ लगा देते हैं, जो साउथ में है उसके पीछे एस लगा देते हैं साउथ। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक ग्रिड चाहिए कंप्लीट, जिस पे हम बता सकें कि हम यहाँ हैं या कहाँ हैं, तो उसके लिए हमें इनको अभी वर्टिकली भी डिवाइड करना पड़ेगा, अर्थ को अभी तो हॉरिजॉन्टल। इसके लिए हम नॉर्थ पोल पे गए और साउथ पोल पे गए और नॉर्थ पोल पे हमने डिवाइड कर लिया, एक सर्कल खींचा नॉर्थ पोल को सेंटर मानते हुए, उसे 360 में डिवाइड करके हम जो भी रास्ता मिला, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, हम ऐसे चलते गए साउथ पोल पहुँच गए, फिर ऐसे चले साउथ पोल पहुँचे, फिर ऐसे साउथ, फिर ऐसे साउथ, फिर ऐसे साउथ, और हम जहाँ से स्टार्ट किया उसे हमने जीरो नाम दे दिया, और एक एक डिग्री करते करते हमने पूरा 360 को ये लाइन्स जिस रास्ते से हम साउथ पोल जा रहे हैं उस पर लाइन खींचते गए। तो अब हमें अर्थ पर दो ये लाइन भी मिल गई जो नॉर्थ को साउथ से मिला रही हैं, इन्हें हमने लॉन्गिट्यूड बोल दिया। तो एक ऐसे ये लाइन भी मिल गई और ये तो हमें पहले ही मिल गई थी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड,
तो अब हम अर्थ की सरफेस पर कहीं भी किसी भी चीज़ की लोकेशन बता सकते हैं। वहाँ आप एक लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ड्रॉ कीजिए और देखिए कि वो 0 डिग्री हमारी लॉन्गिट्यूड है, जो भी हमने मानी थी, मान लो ये मान ली 0 डिग्री, तो यहाँ से वो ईस्ट में है 180 या 180 जो वेस्ट में है उस साइड है या ईस्ट में है, ईस्ट में है तो कितना है, वेस्ट में है तो कितना है, और हमने उस पॉइंट की लोकेशन बता दी। फॉर एग्जांपल दिल्ली अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ उसकी लोकेशन है 78 डिग्री ईस्ट एंड 28 डिग्री नॉर्थ। हमेशा नॉर्थ को पहले या नॉर्थ या साउथ को पहले लिखते हैं और ईस्ट और या वेस्ट वाले को बाद में लिखते हैं, ये कन्वेंशन है, याद रखना है। इससे हमें अपनी अर्थ पर पोजिशन पता चल गई, ठीक है, ये सब तो ठीक है, अर्थ पर पोजीशन पता चल गई, आप खड़े हैं, लेकिन आप विदाउट मेजरमेंट आप कैसे बताओगे कि मैं इस लॉन्गिट्यूड पर हूँ, मैं इस लैटिट्यूड पर हूँ। तो इसके लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए होती है, मैप्स की। मैप्स क्या चीज़ होती है, अर्थ की जो स्फेरिकल सरफेस है उसे एक फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्दर इनका यूज़ क्या है, आप अर्थ को इतनी बड़ी है कि कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते हो, कॉम्प्रीहेंड करोगे आपको इस किसी सिटी को विजिट करके आए हो, यहाँ से जाके यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ कॉम्प्लेक्स वे में, अगर आप उसे दिमाग में रखोगे तो वो डिस्टॉर्टेड शेप रहता है। जनरली हमारा जो ब्रेन है जो पिक्चर्स बनाता है, कॉग्निटिव इमेज है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती नहीं है, तो हमें मैथमेटिक्स और ऐसी चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी जो कि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किस चीज़ से है कि आप गए तो कुछ और बता रहे हो, दूसरा आदमी गया कुछ और बता रहा है, तीसरा कुछ और, आप लेकिन आप गए तो आपकी बार के आप एक इंस्ट्रूमेंट ले गए और उससे मीजर किया सब कुछ, वो जो दूसरा व्यक्ति गया उससे भी बोला ये लेके जाओ और मीजर करो, तब फिर ये सारी चीज़ें जो आपने मैप की हैं, जो आप बता रहे हैं और जो वो बता रहे हैं, वो मैच करेंगी, फिर वो एक ही जगह आएंगी। तो ये मैप का यूज़ है। और ऐसी साइंस एंड आर्ट को, मैप की साइंस एंड आर्ट को क्या बोल देते हैं, कार्टोग्राफी। एंशियंट टाइम से ये मैप बनाने की परंपरा चली आ रही है, चाहे लोकल एरिया का हो, चाहे रीजन्स का हो, चाहे नेशंस का हो या वर्ल्ड का हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपने इंडिया का मैप नहीं देखा है कभी, तो आप कहीं भी रह लीजिए इंडिया में, आप बोलोगे इंडिया बहुत बड़ा है, नॉर्थ में भी चले जाइए, साउथ में, वेस्ट में, लेकिन अगर आप उसे मैप कर लोगे, आप उसे मेजर कर लोगे, मैप कर लोगे, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया ऐसा है और ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी फिजिकल, तो इसलिए मैप्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। मैप्स हो गया, आगे बढ़ते हैं, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ये तो हो गए हमारा। मैप्स क्या है, बेसिक टूल्स इन ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है मैप्स, कि हम बाकी चीज़ों को, ज्योग्राफी को, जियोग्राफी अगर हम पढ़ रहे हैं तो जियो एंड उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर उसको राइट डाउन कर रहे हैं, तो उसके 100 तरीके होते हैं। आप वर्बल डिस्क्रिप्शन कर लीजिए, आप दिमाग में रख लीजिए, या फिर आप उसके डायग्राम या मैप बना के उसे परमानेंटली सेव कर लीजिए। तो ज्योग्राफी का बेसिक है मैप। देन आ जाते हैं बायोस्फीयर, सॉरी मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो आप अर्थ को स्पेस से देखिए तो तीन चीज़ें आपको क्लियरली दिखेंगी, एक तो लैंड वाला पोर्शन, वाटर वाला पोर्शन, जो अर्थ को सराउंड किए हुए एयर है वो, एंड अर्थ पे जो बायोडाइवर्सिटी इन द सेंस फॉरेस्ट वगैरह, वो आपको ग्रीन अलग से दिखेंगे। तो लिथोस्फीयर को देखते हैं हम, तो ये चार मेजर डोमेन हैं अर्थ के, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर को देखते हैं, वो अर्थ का वो वाला पार्ट अर्थ ये है, मैंने बताया था आपको कि ये मोल्टेन है अंदर से, लेकिन इसका जो टॉप लेयर है वो क्या है, कूल डाउन होके जम गई है या फिर सॉलिडिफाई हो गई है, क्रस्ट है, बिल्कुल पतली सी है एज़ कम्पेयर टू दिस डायमीटर या रेडियस, ये बहुत कम है इसकी थिकनेस क्रस्ट की, इसीलिए क्रस्ट का मतलब अगर हिंदी में देखें तो पपड़ी समझ लीजिए, जम गई है जिस पे हम रह रहे हैं। ये पपड़ी कभी कभार चेंज भी होती रहती है इंटरनल फोर्सेस की वजह से, हम देखेंगे लैंड फॉर्म्स में आगे और लेक्चर्स में मैंने आपको बताया। तो ये जो पपड़ी जम गई है जिसपे चाहे पानी भरा हो ओशियंस में या फिर लैंड हो जिसपे हम खड़े हों ऊंचा, इसे क्या बोल देते हैं, लिथोस्फीयर। यानी लिथोस्फीयर एक तो जो लैंड हम खड़े हैं वो भी, और जो हाइड्रोस्फीयर के नीचे वाटर जहाँ भरा हुआ है उसके नीचे भी जो लैंड है वो क्या है, लिथोस्फीयर। तो दो तरह के हो गए लिथोस्फीयर में, दो तरह की हो गई, एक तो ओशियन के नीचे वाला पार्ट जो कि थिन रहता है, और एक कंटिनेंट जिन पर हम खड़े हुए उन्हें क्या बोलते हैं, कंटिनेंट या लैंड वाला पार्ट, उसमें ये थिक रहता है।
देन हाइड्रोस्फीयर, मैक्सिमम वाटर तो ओशंस में है, उसके अलावा आइस कैप्स में है, ग्राउंड वाटर है, रिवर्स में है, तो उसके अलावा पेड़ों में वाटर है, आप में वाटर है, मेरे अंदर वाटर है, ग्राउंड वाटर है और एटमॉस्फेयर में वाटर है। इन सबको मिला के वाटर की जो साइकिल है, यहाँ आना और फिर यहाँ से वापस जाना और कुछ एटमॉस्फेयर में रहना, इसे हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोस्फीयर, कंप्लीट हाइड्रोस्फीयर, ना कि सिर्फ इतने पार्ट को, ओशन वाले पार्ट को ही सिर्फ हाइड्रोस्फीयर नहीं बोलते हैं, बल्कि पूरे जहाँ भी वाटर अवेलेबल है, मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल है अर्थ पर, वो हाइड्रोस्फीयर में काउंट होगा। देन एटमॉस्फेयर, अर्थ को जो सराउंड करने वाली एयर है उसे हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर। इसमें कई सारी लेयर हैं, इसका कुछ प्रेशर भी होता है, इसकी वेट की वजह से उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। और इसमें कई सारी लेयर हैं, जैसे आप ऊपर जाओगे इस कॉलम में तो आपको ट्रोपोस्फीयर मिलेगा, फिर स्ट्रेटोस्फीयर मिलेगा, फिर मीजोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, और उसके बाद फिर जो सोलर सिस्टम का जो स्पेस है वो आ जाता है, सन जहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहा है डायरेक्टली वो आ जाता है इस एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड। तो ये हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है, ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में है, और यहाँ पे जो आयनोस्फीयर है वो हमें किससे बचाता है, जो सन के जो चार्ज्ड पार्टिकल निकल रहे हैं, सन से डिस्चार्ज हो रहे हैं चार्ज्ड पार्टिकल, है ना, H+ और अल्फा पार्टिकल, ये सारी चीज़ों को रोकता है। उसके अलावा अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर, मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल से हमें सेव करता है। ये हो गया एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर पे आ जाते हैं, जहाँ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर है, मतलब कि O2 अलॉन्ग विथ N2, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो N2 यूज ना करता हो, नाइट्रोजन यूज ना करता हो, O2। ये तो हो गया एटमॉस्फेयर। देन H2O वाटर चाहिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एंड कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो कि किसका पार्ट है, लिथोस्फीयर का। तो ये इनके कंजक्शन पे, मतलब जहाँ इनका जंक्शन है, जहाँ तीनों ये चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ हमें लाइफ फॉर्म दिख जाती है, इसे हम बायोस्फीयर बोल देते हैं अर्थ की कंप्लीट को। इसको कभी कभार इकोस्फीयर भी बोल देते हैं, और इसमें अभी प्रॉब्लम चल रही है, हमने ये चारों स्फीयर्स को डिस्टर्ब किया है, तो अब हम जो अपने पॉल्यूशन की एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उन पर चेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। मैंने अभी आपको चार मेजर डोमेन मतलब बताए हैं, अब हम देखते हैं कि जो लिथोस्फीयर का जो कंटिनेंटल वाला पार्ट है, उस पर क्या मेजर फीचर्स, अपार्ट फ्रॉम जो ओशन बेसिन है इसको छोड़ दें, तो लिथोस्फीयर पर जो कंटिनेंट वाला पार्ट है उसके मेजर फीचर्स क्या हैं, तो आप देखेंगे तीन बेसिकली आप डिवाइड कर सकते हैं, एक तो माउंटेन में से माउंटेन या हिल, एक प्लेटू टेबल लैंड जैसा कोई लैंड फीचर, या फिर एक प्लेन, सपाट प्लेन जो कि उठे हुए नहीं है। प्लेटू क्या है, जो उठा हुआ है, और माउंटेन क्या है, जो उठा भी है और नुकीला भी है। ये कैसे बनते हैं, तो हमने देखा था ये बेसिकली एंडोजेनिक या इंटरनल फोर्सेस की वजह से बनते हैं। अगर वैसे पूरी प्रोसेस मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखी है, फिर भी आपको यहाँ बता देता हूँ, अगर मैग्मा बाहर आके कोई क्रस्ट से बाहर आके, लिथोस्फीयर से बाहर आके माउंटेन ऐसे बना देता है तो वो माउंटेन बन जाते हैं। उसके अलावा अगर मैग्मा जो क्रस्ट है उसे ऐसे कंप्रेस कर रहा है, तब भी फोल्डेड माउंटेन बन जाते हैं, जैसे कि हिमालय है। अगर इन्हें सेपरेट कर रहा है तो दो चीज़ें बन सकती हैं, अगर ओशियन में हो और मैग्मा बाहर आ रहा है तो मिड ओशियनिक रिजेज बन सकती हैं, और अगर ये कंटिनेंट पे और मैग्मा बाहर नहीं आ रहा है तो रिफ्ट वैलीज बन सकती हैं, जैसे कि नर्मदा की रिफ्ट वैली एंड ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। देन ये तो हो गए फोल्ड वोल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन एंड वैलीज। एक और माउंटेन होते हैं ब्लॉक माउंटेन, वो कैसे बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स ऐसे बनते हैं कि मान लो ये कंटिनेंटल प्लेट है और इसको दो फोर्सेज, एक इस तरफ पुश कर रही है, एक इस तरफ, अब ये फोल्ड होने की बजाय फ्रैक्चर होके ये पार्शन ऐसे ऊपर उठ जाए और ये क्या है, स्कार्प बन जाए, तो फेस स्कार्प फेस बन जाए, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, ब्लॉक माउंटेन। ये पूरा ब्लॉक उठ के ऊपर चला गया और ये नीचे रह गया, तो ये ब्लॉक माउंटेन हो जाएगा। तो ये तो हो गए माउंटेन फॉर्मेशन। प्लेट्यूज पे आ जाते हैं, प्लेट्यूज कैसे बनते हैं, जनरली प्लेट्यूज क्या होता है, मान लो ये कंटिनेंटल क्रस्ट है, इस पर कोई फिसर, फिसर मतलब दरार,
पड़ गई उसमें और वहाँ से मैग्मा बाहर आने लगा और वो दोनों साइड फैलने लगा, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, और ये पूरा कई सालों, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स फैलते गया और इसकी ऊंचाई को बढ़ाता गया। तो फिर वो क्या एक उठा हुआ टेबल लैंड टाइप का बन जाएगा, उसे हम क्या बोल देते हैं, प्लेटू। प्लेन्स जनरली क्या होते हैं, या तो वो जहाँ ये फोल्ड माउंटेन बन रहे हैं वहाँ सबडक्शन हो रहा है, उसकी वैली होगी जिसे अभी क्या है नदियों ने फिलअप कर दिया सेडिमेंट्स ला के, या फिर वो उन पे अभी कोई वल्केनिक या रिफ्ट वाली एक्टिविटी नहीं हुई है। तो ये तीन फीचर्स हैं, कैसे फॉर्मेशन हुआ है वो भी मैंने बता दिया। और पूरा अच्छे से जानने के लिए आप लेक्चर देख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर था ये वाला, प्लीज़ जाके देखिए उसे। देन हमने थोड़ा सा देखा था अपने कंट्री इंडिया के फिजिकल और पॉलिटिकल फीचर्स। इसमें पहला था कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है और इसकी लेंथ कितनी है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है इंडिया का, लॉन्गिट्यूड में ये है 29 डिग्री, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी 29 डिग्री है। लेंथ कितनी है यहाँ से इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, ये तो हो गए डिग्रीज में, ये अब मीटर्स में लेंथ कितनी है, ये है 2900 किलोमीटर एंड ये वाली है 3200 किलोमीटर। देन हमने देखा था कि कौन सी कंट्री इंडिया को सराउंड करती है, लैंड बॉर्डर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार या बर्मा कह लीजिए और बांग्लादेश। और सबसे लंबी बाउंड्री इंडिया की किससे, बांग्लादेश से, और सेकंड नंबर पे चाइना। ये तो हो गए इसके लोकेशनल सेटिंग की, कितना लंबा है, किसके पास बैठा हुआ है। थोड़े से इसके फिजिकल फीचर्स भी देखे थे हमने, उनमें मेन क्या था कि नॉर्थ में तो ये माउंटेन रेंजेस थी जिनमें प्रोमिनेंट है हिमालयाज, मोस्ट प्रोमिनेंट है हिमालयाज, और उसके अलावा काराकोरम और लद्दाख रेंजेस वगैरह। ठीक है, देन हम आ गए थे थोड़ा सा साउथ में आते हैं हम, तो ये हमें प्लेन्स मिलते हैं जो कि पहले वैली थी और वो हिमालयन रिवर्स के द्वारा सेडिमेंट्स लाला के फिलअप कर दिए गए हैं। ऐसे प्लेन्स को क्या बोलते हैं हम, एल्यूवियल प्लेन्स। ये प्लेन्स इधर भी एक्सटेंड करते हैं जो इंडस रिवर वगैरह बहती है उसके लिए भी, और लूनी रिवर इधर बहती है। देन ये है सेंट्रल हाईलैंड जिसमें सतपुड़ा एंड विंध्या दो रेंजेज हैं जो कि बेसिकली किसके पार्ट थे या हैं अभी भी, डेक्कन प्लेटू के पार्ट थे लेकिन फॉल्टिंग वगैरह की वजह से थोड़े से सेपरेट हो गए हैं, कुछ बीच में रिफ्ट वैलीज आ गई हैं। ये कैसे बने थे, फिसर वल्केनो रॉक से बने थे। कुछ पोर्शन जो इंडिया का जो पेनिनसुला वाला पार्ट है, पेनिनसुला क्या है जो तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, ये वाला पार्ट, वेस्टर्न वाला पार्ट उठ गया है, ये ईस्टर्न वाला पार्ट धस गया है। जब इंडिया यूरेशिया से टकरा रहा था तब तो वेस्टर्न घाट जो कि पहले ईस्टर्न घाट के बराबर ही थे, उनकी हाइट अब ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में और सी के बीच में क्या है, प्लेन्स मिलते हैं। यहाँ पे ईस्टर्न घाट प्लेन्स, यहाँ वेस्टर्न घाट प्लेन्स। उसके बाद हमारे दो आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, वो भी हमारे इंडिया एज ए नेशन के पार्ट है। देन यहाँ पे हमने देखा था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। ये हो गए मेजर फिजिकल फीचर। पॉलिटिकल में आ जाते हैं हम, इंडिया के 28 स्टेट्स हैं जिनकी, स्टेट्स मतलब जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है और वहाँ पे गवर्नर होता है ना कि एडमिनिस्ट्रेटर। और यूटीज़ क्या हैं जिनकी या तो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है, अगर हैं भी तो वहाँ वो लेजिस्लेटिव असेंबली को एडमिनिस्ट्रेटर या ल्यूटिनेंट गवर्नर हेड करता है ना कि गवर्नर हेड करता है। इंडिपेंडेंस इनमें ज़्यादा है। स्टेट्स बेसिकली किसके बेसिस पे बने हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे, और यूटीज कल्चर के बेसिस पे। अगर यहाँ देख लीजिए जो दो रिसेंट डेवलपमेंट है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर को जो पहले पूरा एक स्टेट था लद्दाख के साथ, तो यूटीज में बांट दिया गया, लद्दाख अलग एंड जे एंड के अलग, और जो दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली थे तो अलग यूटी थे, इनको मिला के अब एक ही एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया है। ये याद रखना है करंट के पर्सपेक्टिव से। फिर था हमारा नेक्स्ट चैप्टर इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म वेदर एवरेज ऑफ वीदर। वीदर क्या होता है कि किसी प्लेस का, पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर
और ह्यूमिडिटी, बेसिकली ये दो होते हैं। उसके अलावा आप विंड्स भी काउंट कर लेते हैं और एयर प्रेशर भी काउंट कर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनका जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसे हम क्लाइमेट कह देते हैं। इनका डे टू डे चेंज, इवनिंग से नाइट तक, नाइट से इवनिंग तक, मंथ टू मंथ चेंज को हम क्या बोल देते हैं, वीदर। फिर हमने देखा था इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। इंडिया एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है जो कि मानसून पर डिपेंडेंट है। इसमें चार सीजन होते हैं, विंटर और समर। विंटर और समर तो सिंपली एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ऑर्बिटल प्लेन में या ऑर्बिटल पीरियड में जो पोजीशन रहती है एज विथ रेस्पेक्ट टू सन, उससे कि अगर सन की तरफ है तो समर है और सन से अवे हैं तो विंटर है। बाकी जो स्प्रिंग और ऑटम सीजन थे और जो वहाँ यूरोप में ऑटम वाला सीजन है उसे हम ऑटम या सिंपली क्या बोल देते हैं, रिट्रीटिंग मानसून सीजन भी बोल देते हैं, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। ये क्या है, ये दोनों तो समझ में आता है कि विंटर कब पड़ेंगी, जब नॉर्थ पोल अर्थ से अवे है, जब नॉर्थ पोल सन से अवे है, नॉर्थ पोल की पोजीशन जब अर्थ ऑर्बिट में है, तो ये नॉर्थ पोल हो गए, सन हो गया, तो सन से अवे है तो विंटर, सन के पास है तो समर। लेकिन इन दो सीजन में हमारे यहाँ दो अलग सीजन है, मानसून जब रेन होती है मानसून की, एंड एक है ऑटम सीजन जब ये वापस लौटती है, मानसून सीजन जब रिट्रीट होता है या फिर लौटता है। तो इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। जब मार्च अप्रैल में अच्छी गर्मियाँ पड़ने लगती हैं और मई तक आते आते यहाँ की एयर क्या है, गर्म होकर इंडिया की ऊपर उठ के कहीं और चली जाती है, तो ये समुद्र की हवाएं वो इसमें आके आती हैं, वो ह्यूमिड रहती हैं और बरसात करने लगती हैं। कुछ तीन महीने बाद जुलाई, जून जुलाई से बारिश शुरू होती है, अक्टूबर नवंबर तक जाते जाते यहाँ पे उल्टा हो जाता है। ये वाला पोर्शन अपरेंट शिफ्ट ऑफ सन इन द सदर्न हेमिस्फीयर होता है, तो उसकी वजह से ये वाला पोर्शन ठंडा होता है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है और विंड यहाँ से कूल विंड यहाँ से बाहर बहने लगती हैं। तो ये क्या है, मानसून सीजन, ये रिट्रीट ऑफ मानसून सीजन। और जो मानसून वर्ड है उसका मतलब यही है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, जो कि कहाँ से लिया गया है, अरेबियन जो पेनिनसुला है, अरेबियन वर्ल्ड में ये वर्ड यूज़ होता था जब ट्रेडर्स इन हवाओं के सहारे इंडिया से ट्रेड करते थे। ये थोड़ा सा क्लाइमेट हो गया इंडिया का। हमारा क्लाइमेट को अगर एक वर्ड बोले तो हमारा मानसून टाइप क्लाइमेट है। इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन मानसून, विंटर और समर तो सबके लिए है ही, उसके बाद जो हमारे सेपरेट या यूनिक है इंडिया के लिए वो है मानसून। देन थोड़ा सा आ जाते हैं हम वेजिटेशन की बात करते हैं, तो नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ए लॉट ऑन रेन्स एंड रेनफॉल एंड सॉइल। रेनफॉल और सॉइल पर डिपेंड करती है, तो जहाँ बारिश अच्छी है या फिर जहाँ सॉइल अच्छी है वहाँ, वैसे जैसे गंजेटिक वैली थी, यहाँ पहले भारी फॉरेस्ट हुआ करते थे, डेंस फॉरेस्ट, लेकिन अभी काट दिए गए, तो अब कहाँ बचे हैं फॉरेस्ट, या तो जो ऐसा पार्ट जहाँ डेंसिटी कम है ह्यूमंस की, वो कौन से पार्ट हैं, जो माउंटेनस पार्ट है ना, ऐसे पार्ट्स जहाँ अभी भी माउंटेन हो या टोपोग्राफी या फिर जो रिलीफ फीचर्स हों वो अनइवन हो और प्लेन्स ना हो। तो आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर जो हिमालयाज हैं और इधर वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन्स हैं उनमें ये मैक्सिमम फॉरेस्ट मिलते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ देख लेते हैं, जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसमें फॉरेस्ट कैसे रहते हैं, या तो मॉइस्ट डेसीडियस, डेसीडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो अपनी पत्तियाँ एक बार में गिराते हैं। मॉइस्ट मतलब कि ऐसे जो कि पानी काफ़ी ठीक ठाक मिलता है इन्हें, 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन होती है ईयरली। या फिर यहाँ फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो अपनी पत्तियाँ कभी नहीं गिराते हैं, ईयर राउंड उन्हें बारिश या पानी का सोर्स मिलता है। जो सेंट्रल इंडिया में फॉरेस्ट हैं बेसिकली डेसीडियस फॉरेस्ट हैं, इनमें से कुछ ड्राई है, ड्राई का मतलब मैक्सिमम ऑफ टाइम ईयर में उन्हें पानी की स्कार्सिटी रहती है और वो अपने एक साल में एक बार पत्ते गिराते हैं। जो ईस्टर्न वाला पार्ट है इसमें हमें जो माउंटेनस है हायर रीचेज में तो टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं, और जो लोअर रीचेज है वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ मानसून हाईएस्ट होती है वर्ल्ड में। और जो हिमालय के जो ये पोर्शन है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, उसमें हमें टेम्परेट या टैगा फॉरेस्ट मिलते हैं। सारे आगे पढ़ेंगे, टेम्परेट मतलब कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। तो ये वेजिटेशन का, नेचुरल वेजिटेशन
नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन ऐसी वेजिटेशन है विच इज अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस, अपने आप ग्रोथ हो रही हो, नेचुरल ग्रोथ हो रही हो। देन फिर इन फॉरेस्ट हैं तो वाइल्ड लाइफ भी रहती है, वाइल्ड लाइफ वंस अगेन विच इज नॉट टेम्ड, है ना, जिसको अभी ह्यूमंस ने पालतू नहीं बनाया हो, नॉट टेम्ड बाय ह्यूमंस। तो एक बहुत वैरायटी की वाइल्ड लाइफ भी एग्जिस्ट करती है, यूनिक है। उसमें से एशियाटिक लॉयन, बंगाल टाइगर, ये सब सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं, और कुछ हैं जो माइग्रेटरी हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर माइग्रेट करके इंडिया में आती है, कुछ खाती पीती है, अपना जो भी लाइफ साइकिल है उसमें जो भी प्रोसेस है वो करती है और वापस लौट जाती है। तो ये दो तरह की वाइल्ड लाइफ हो गई। थोड़ा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे एक्ट बनाए हैं, कई सारी टेरिटरीज़ को रिजर्व भी किया है, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं स्पीसीज स्पेसिफिक, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट एट्सेट्रा। तो ये हमारे जो डिक्लाइनिंग बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड है उसे बचाने के कुछ प्रयास हैं। ये तो होता है इंडिया और वर्ल्ड का थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट। इसके साथ हमारी ज्योग्राफी की सिक्स क्लास की एनसीईआरटी खत्म हो गई थी। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं प्री में, क्या इससे क्वेश्चन आते हैं, आते हैं तो क्या हम कर पा रहे हैं या नहीं, ये देखते हैं। टाइड्स, तो पहला क्वेश्चन है, टाइड्स अकर इन द ओशन एंड सीज ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग। सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये क्वेश्चन हैं, सारे यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन हैं, कोई भी इधर उधर से नहीं लिया है। तो पहला है, टाइड्स किस वजह से होती हैं। मैंने बताया था कि प्लैनेट्स को ऑर्बिट में कौन रखता है, ग्रेविटी एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो बताए थे, इससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक तो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, टाइड क्या होती है, बल्जिंग ऑफ, या पानी अट्रैक्ट हो जाए किसी सेलेस्टियल बॉडी की तरफ, चाहे वो सन हो चाहे वो मून हो, किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से। एक तो इधर बल्जिंग हो गई ग्रेविटी की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन में बल्जिंग हो गई, पानी उठ गया किस वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो इस यही है टाइड बनने का रीजन, चाहे वो मून हो चाहे वो सन हो चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, उसकी वजह से ओशियंस में वाटर का उठना और गिरना 24 घंटे अर्थ जैसे जैसे घूमती रहती है, उसके हिसाब से उसे हम क्या बोल देते हैं, टाइड्स बोल देते हैं। और इसके सारे सही यहाँ पढ़ लीजिए, ठीक है। तो बेसिक वंस अगेन सिक्स क्लास एनसीईआरटी, व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। वैसे तो अगर धरती आप सबको पता है कहाँ से वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी इस पे है, यहाँ खड़ी हुई है, और वो अपने इनर्शिया, इनर्शिया मतलब जो रेस्ट पोजीशन है उसी में रहना चाहती है, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में किस तरफ जाएगी, वेस्ट की डायरेक्शन में जाएगी, वेस्ट की डायरेक्शन में, वाई नेचर जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसके हिसाब से वेस्ट की डायरेक्शन में जाएगी, वेस्ट की डायरेक्शन में जाएगी। यही काम क्या करते हैं, जो हमारे ओशियंस का जो वाटर है वो क्या है, इक्वेटर के पास ऐसे ऐसे फ्लो करने लगता है दोनों हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब लेकिन अगर ये यहाँ पे कंटिनेंट ना होते इस वाटर को रोकने के लिए, तो फिर ये पूरा राउंड काट के ऐसे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट, ये वाटर पूरा चक्कर काटता रहता अर्थ के। लेकिन यहाँ कंटिनेंट है तो ये पानी रुकेगा और ऐसे टर्न होके, इनवर्ट टर्न होके कहाँ जाएगा, वापस इस साइड चलने लगेगा। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इक्वेटोरियल काउंटर करंट। तो इक्वेटोरियल करंट किस वजह से चलती हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। पर जो काउंटर करंट चलती हैं वो किस वजह से चलती हैं, कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, गलत कराओगे अगर आप जल्दी में लगा दोगे तो। अमंग द फॉलोइंग विच सिटी वन, इनमें से कौन सी सिटी दिल्ली वाले लॉन्गिट्यूड पर लाई करती है। प्लीज़ एटलस उठाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आंसर बेंगलोर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट। ये 7 स्टेट है हिमालयाज, इंडिया के ज्योग्राफिक मैप को अच्छे से देखिए। वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 6 स्टेट्स, ये भी गलत दे रखा है, 5 दे रखा है इन्होंने, 6 है। पुलकट लेक स्प्रेड ओवर ओनली 2 स्टेट, ये सही है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो इसका आंसर फिर ओनली 3। इफ़ यू ट्रेवल बाई रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टायम, कोहिमा है नागालैंड में, राजधानी है कोट्टायम केरला में, और बाई रोड अगर आप कोहिमा टू कोट्टायम ट्रेवल कर रहे हैं तो कौन से स्टेट मिलेंगे, ऑब्वियसली बांग्लादेश होके नहीं आना है,
इंडिया में ही रहना है। तो पहला तो है, एक तो यही हो गया नागालैंड, देन सेकंड असम, थर्ड आपको वेस्ट बंगाल, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट, मैक्सिमम तो आप पूरा देश का चक्कर काटते रहिए। थर्ड हो गया वेस्ट बंगाल, फोर्थ हो गया उड़ीसा, फिफ्थ हो गया आंध्र प्रदेश, देन सिक्स हो गया केरल। आंध्र प्रदेश के बाद आप दो जगह जा सकते हैं, तमिलनाडु भी जा सकते हैं, कर्नाटक भी जा सकते हैं, और वहाँ से केरल किसी भी स्टेट से आ सकते हैं। तो ये सेवन हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, इंक्लूडिंग डेस्टिनेशन पूछ रहा है वो, तो ये सेवन स्टेट्स हैं। फिर से मैप का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर इंडियन रिमोट सेंसिंग, कोई भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो वर्ल्ड में, रिमोट सेंसिंग बताया था आपको मैप जब करवा रहे थे कि स्पेस में जाइए, वहाँ से फ़ोटो खींचना शुरू कीजिए, सेल्फी लेना अर्थ की, आपकी नहीं, ठीक है। तो उसके हम काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट इन सारी चीज़ों में आप IRS को यूज़ कर सकते हो। विथ रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग, डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन है हाइड्रोस्फीयर का। तो सबसे द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, कॉमन मिसकंसेप्शन। सबसे ज़्यादा वाटर है ओशियन में, देन है सेकेंड है आइस कैप्स में, थर्ड है ग्राउंड वाटर, फोर्थ है रिवर, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अमेजन जैसी बड़ी नदियाँ हैं और ग्रेट लेक, फाइव ग्रेट लेक जो क्या नाम है अमेरिका में ग्रेट लेक हैं उन जैसी बड़ी लेक हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्राउंड वाटर ज़्यादा हो। लेकिन आप ये सोचिए ना कि ग्राउंड वाटर तो लेक्स तो एक आधी जगह हैं, ग्राउंड वाटर तो आपके जहाँ पैर रख रहे हो वहाँ सब जगह है ग्राउंड वाटर, तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर करीब इससे 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड ठीक है, तो ओनली टू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए थी, पर अगर आप ये दोनों आपने एटमॉस्फेयर में पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन हो जाता है ऑप्शन से। पहला ठीक है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है कुछ लाख साल में, जो कि ये एक और फैक्ट यहाँ बता दूँ, एक और चीज़ कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है NM बोल लो, और जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है जिसके अराउंड एक्सिस अर्थ घूम रही है ना, रोटेट कर रही है, NG बोल लो इसे, ये थोड़े से एंगल है इनमें 11.5 डिग्री का, ये वेरी करता रहता है। कभी कभार ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, अपोजिट हो जाता है, उसे हम मैग्नेटिक रिवर्सल ऑफ पोल्स बोलते हैं। वो कई कई लाख साल में नेचुरली होता रहता है। देन वैन द अर्थ वॉज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स अगो, तो अर्थ का हमें पता है हिस्ट्री 4.5 बिलियन ईयर्स अगो क्रिएट हुई थी, ठंडा होते ही इस पर कुछ लाइफ फॉर्म्स आ गई थी, तो यहाँ पे मैक्सिमम CO2 और SO2 था, और कुछ और 500 मिलियन ईयर्स लेटर जो फर्स्ट ऑटोट्रॉप्स थे, यानी कि साइनोबैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना रहे थे, ग्रीन ब्लू एल्गी भी बोलते हैं, ग्रीन ब्लू एल्गी, उन्होंने CO2 को कैप्चर करना शुरू किया और O2 को रिलीज़ किया, जो कि फोटोसिंथेसिस करने वाले सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं, तो वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये पहला गलत हो गया, पहले क्या था CO2 और SO2। वेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमोसफियर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो इसमें पहला ठीक है, दूसरा गलत है, तीसरा ठीक है, तो आंसर 1 और 3 हो जाएगा जहाँ भी दिए हों। ईच डे इज मोर और लेस द सेम, द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विद ए सी ब्रीज, एज द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई हीट माउंट्स अप, डार्क क्लाउड्स फॉर्म, देन रेन कम्स विद थंडर एंड लाइटनिंग, बट द रेन इज सून ओवर। जब हम वर्ल्ड हाइड्रोस्फीयर देख रहे थे या फिर वर्ल्ड में रेन वाला मैप दिखाया था मैंने आपको, तो दिखाया था कि इक्वेटर के दोनों तरफ पूरे वर्ल्ड में बारिश अच्छी होती है, जो रेन मैप देख रहे थे हम क्लाइमेट वाले चैप्टर में, इंडिया के क्लाइमेट वाले चैप्टर में मैंने आपको वर्ल्ड के रेन मैप दिखाया था, उसमें देखा था कि इक्वेटर मान लो ये तो क्यों होती है, तो मैंने यहाँ एक रीज़न भी दिया था कि अर्थ की जो सन की जो रेज है वो यहाँ डायरेक्टली पड़ती रहती है राउंड द ईयर, तो वो विंड एंड वाटर को ड्राइव करती रहती हैं। आप गैस पे पतीला गैस जला के छोड़ दीजिए, वो देखो उबलता रहेगा, सिमिलर इज द केस यार। तो अब ये विंड एंड वाटर ड्राइव होगी, तो मैंने ये भी बताया था कि यहाँ बारिश होती रहती है, तो ये वही दिया है
जो कंडीशन है, जैसे हमारे यहाँ गर्मियों में कभी कभार एकदम से तूफान आके बारिश हो जाती है और फिर वो बारिश तुरंत ही ख़त्म हो जाती है, आसमान क्लियर हो जाता है, ये इक्वेटोरियल रीजन में इस हीट एंड वाटर की वजह से, जो ओशन का वाटर है और सन की हीट है उसकी वजह से ये राउंड द ईयर ये फेनोमेनन चलता रहता है। तो इसका आंसर है इक्वेटोरियल रीजन। वो पूछ रहा है किस रीजन में ये होता है जनरली। द ब्लैक कॉटन सॉइल्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द वीदरिंग ऑफ, इसी बार का 2020 का क्वेश्चन है प्री का, बताइए किस वजह से हुआ था। मैंने बताया था डेक्कन प्लेटू क्यों बना था, फिजर वल्केनिक एक्टिविटी से करीब 150 मिलियन ईयर्स अगो, जब हम लैंड फॉर्म्स पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था। तो उसकी एक प्रॉपर्टी है बेसाल्टिक रॉक होती है उसमें, जिसमें कि ब्लैक कलर की होती है और बेसेज यानी मैंगनीज ज़्यादा होता है। सियाल और सीमा जब पढ़ा था तो ये फिसार वल्केनिक रॉक की वजह से होता है। ये क्वेश्चन कुछ लोग बोल रहे थे कि डिबेटेबल है, इंडस रिवर सिस्टम वाला। इंडिया के फिजिकल को देखोगे तो आपको इंडस रिवर ऐसे जाती हुई दिखेगी, उसमें कुछ और रिवर मिलती हैं तो उनका मैं मैप बना देता हूँ। ये तो हो गई जो ऊपर वाली है इंडस, कहाँ से निकल रही है, मानसरोवर या तिब्बत से बोल लीजिए आप। ये हो गई झेलम, ये हो गई चिनाब, ये हो गई रावी, ब्यास एंड सतलुज। अब वो ये बोल रहा है, क्वेश्चन ढंग से पढ़िए कि ये जो चार रिवर दी हैं इनमें से कौन सी रिवर में बाकी की तीन मिलती हैं। झेलम को ले लीजिए, झेलम में सिर्फ एक ही मिलती है, कौन सी मिल रही है, वो एक चिनाब मिल रही है। या फिर अगर आगे भी जाके मान लें तो सतलुज मिल रही है। चिनाब को ले लीजिए, चिनाब में झेलम मिल रही है, रावी मिल रही है और सतलुज मिल रही है। सतलुज को ले लीजिए, रावी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, रावी में सिर्फ एक ही झेलम मिल रही है या फिर आगे जाके सतलुज मिल रही है। सतलुज को ले लीजिए तो सतलुज में ब्यास का तो नाम नहीं दिया, इवन दिया भी होता तो फिर एक ये वाली हो जाती और एक ब्यास हो जाती, तब तो भी दो ही रिवर। वो बोल रहा है इनमें से ऐसी कौन सी रिवर है इन चारों जिसमें बाकी की तीन आके मिल रही हैं और फिर वो जाके इंडस में मिल रही है। वो ये नहीं पूछ रहा है तुमसे कि इंडस की ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है फाइनली, नहीं, वो आपको यही बता दे रहा है कि ये बताइए इन तीनों में से किस में बाकी की तीन, इन चारों में से किस में बाकी की तीन मिलती हैं। तो उसका आंसर है चिनाब, ठीक है, नो कन्फ्यूजन। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, 100 बार कर चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। इन ए पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ द लिविंग ट्रीज इन टू रोबस्ट ब्रिजेस, जब हम लैंड फॉर्म्स पढ़ रहे थे और वहाँ एक रोप ब्रिजेस का फोटो दिया गया था अरुणाचल या हिली एरियाज के लिए, तब मैंने बताया था कि कहीं कहीं जगह जहाँ बारिश अच्छी होती है लोग ब्रिजेस रूट्स जो होती हैं ट्रीज की उन्हीं को ब्रिज बना लेते हैं। वो स्टेट कौन सा है, मेघालय है, ठीक है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फॉरेस्ट इज ए टीक डोमिनेंट ट्री, जो इंडिया में जो सेंट्रल इंडिया में डेसीडियस फॉरेस्ट हैं, चाहे वो मस्ट हो डेसीडुअस, चाहे वो ड्राई हो या मॉइस्ट हो, उनमें टीक ट्री मिलता है। तो मॉइस्ट में मैक्सिमम मिलता है, वो आप देख लीजिए, वेजिटेशन का क्वेश्चन है। देन अगेन जो हमने फैक्ट पढ़ रखे हैं, एशियाटिक लॉयंस आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, यस, करीब 100 साल पहले या 50 साल पहले ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं था, पर अब सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, गलत है ये, मंगोलिया वगैरह में भी होता है। बेसिकली नाम ही डबल हम्प्ड कैमल का दूसरा नाम ही मंगोलियन कैमल। मनहॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वंस अगेन ये गलत है, ये कहाँ पे हैं, नेपाल में भी होते हैं। सो आंसर इज जो भी है पहला, वन ओनली। सो ये तो था हमारा 6th क्लास की एनसीईआरटी का रिवीजन और उस पर बेस्ड जो यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो कहाँ कमी रह गई है, एनसीईआरटी कितना कवर करता है प्री के लिए या मेंस के लिए, और लोग उन्हें इग्नोर करके कितनी बड़ी रिस्क उठाते हैं। तो आप ऐसे ही एनसीईआरटीज़ को प्लीज़ पढ़ते रहिए, प्री और मेंस दोनों अच्छे से कवर होता है। और यूपीएससी जानबूझ के एनसीईआरटी के सिंपल फैक्ट किताबों से पूछ लेती है,
जिससे कि लोग कम से कम जो बेसिक बुक्स हैं उन्हें पढ़ के आएँ, IAS बनने के लिए ऐसे ही ना आ जाएं कुछ भी रट के। तो ये तो था हमारा लेक्चर ऑन 6th क्लास NCERT रिवीजन। अब हम कल से या नेक्स्ट लेक्चर से 7th क्लास की NCERT विच इज़ बेस्ड ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाला जो पोर्शन है वो पढ़ना है हमें। कल से हम इसे या अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।